ये है वो सीक्रेट फाइल जो कमांडिंग ऑफिसर गुप्ता ने मुझे दी। सारे मिलिट्री सीक्रेट्स इस फाइल में हैं। गुड, मगर तुम्हें यहाँ किसी नाते हुए देखा तो नहीं? मैं उस खुफिया रास्ते से आया जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं। वेरी गुड, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इन दोनों को फौरन खत्म कर दो और निकलो यहाँ से। लेकिन इनको तुमने जिंदा छोड़ने का वादा किया था। ऐसे वादों को निभाया नहीं जाता। किल देम। अब अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। तुम कैप्टन बैरी, मूव मूव। तुम समझते थे कि ये फाइल इतनी आसानी से ले जाओगे? इनको छोड़ दो, ये फाइल मेरे हवाले करो। एक मिनट, इससे पहले कि देशभक्ति के नाम पर तुम हमसे दुश्मनी मोल लो, एक सौदा कर लेते हैं। भूल जाओ इस फाइल को, करण की बीवी और उस बच्ची को। इसके बदले हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे जो तुम्हारा देश तुम्हें सारी जिंदगी में नहीं दे सकता। शट अप! मैं हिंदुस्तानी मिलिट्री का कैप्टन हूं। अपना फर्ज हमें बहुत प्यारा होता है, अपने देश की रक्षा करना हमारा पहला उसूल है। और इस तरह की लालच जो आज तुम हमें दे रहे हो, उसके न हम सुनने के आदि है न देखने के। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने जब अपने इस देश की आजादी की बुनियाद रखी होगी तो शायद उन्हें सपने में भी तुम जैसे देशद्रोही और गद्दारों की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ होगा। लेकिन उन्हें अपने देश की मिलिट्री और पुलिस पर पूरा भरोसा था कि वक्त आने पर वो हमेशा अपने समाज को तुम जैसे काले कारनामे करने वालों से आजाद करते रहेंगे। और ये काम आज मैं कर रहा हूं। चलो। तुम नहीं मानोगे ऐसे, लेकिन अगर तुम देशभक्त हो तो हम ईगल हैं। तुम अगर सयाद हो तो हम वो पंछी हैं जो पिंजरा लेके उड़ जाते हैं। दुनिया की कोई जेल हमें कैद में नहीं रख सकती है। चलने को तो हम चलते हैं, मगर हम वहां से भी उड़ जाएंगे कैप्टन। तुम जैसे उड़ने वाले परिंदों के पर काटना मुझे हमेशा याद रहेगा। मूव। कैप्टन, तुम्हें शायद मालूम नहीं, ये गैंग जिसे हम मामूली किडनैपर समझते थे, ये किडनैपर नहीं देश के दुश्मन है, जो विदेशों से मिलकर अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। और उनके पास जो खुफिया नक्शा पहुंच चुका था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तुमने उसे उनसे छुड़ाकर देश को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। हमारी बीवी और बच्ची की जान बचाकर तुमने हम पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। सर, आप ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। That's the spirit, my boy, that's the spirit। और इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें खुशखबरी देना चाहते हैं। खुशखबरी? What's that, sir? मैंने तुम्हारी छुट्टी ग्रांट कर दी है। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। Thank you very much, sir. सर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। घर जाते वक्त किसे खुशी नहीं होती? तुम तो जानते हो हम फौजी अपने परिवार वालों से कितना दूर रहते हैं। जी सर। कभी हम उनसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं, कभी वो हमसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं। सर, कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अब हम फौजियों की जिंदगी तो वार से ही जुड़ी रहती है। कब बुलावा आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मेरी शादी का ही किस्सा ले लीजिए ना सर। कितने अरमान थे अपनी सुहागरात के, लेकिन सुहागरात होने ही नहीं पाई थी कि टेलीग्राम आ गया कि फौरन फ्रंट पर पहुंचो। पहुंच गए सर। आज तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कुदरत का सारा नूर तुम्हारे अंदर समा गया हो। तुम्हारी आंखों में खामोश सी दास्तान है, तुम्हारे ये खुले खुले होंठ, ऐसे लगता है जैसे अचानक कोई गली खिल उठी हो। तुम्हारा ये खिला हुआ प्यारा प्यारा सा मुखड़ा, ऐसे लगता है शबनम से नहाया हुआ कोई कमल हो। तुम्हारे इन रेशमी जुल्फों में सुहागरात की भीनी खुशबू है। तुम्हारे इस सारे रूप को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे 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 तुम खुदा की कारीगरी का एक कमाल हो। और अरे, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं सोच रही थी तुम कौन सी फिल्म के डायलॉग बोल रहे हो। डायलॉग? कैसे डायलॉग? और नहीं तो क्या,
शादी से पहले तो तुमने कभी हाँ ना और ना हाँ के सिवा कुछ कहा ही नहीं, और आज तो वो दरअसल क्या है कि पर अब मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी हाँ है तो मैं क्यों बोले जा रहा हूँ। सोने दो ना। उठो उठो ना, चाय ठंडी हो रही है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो भी, छोड़ो ना, उधर दूध उबल रहा है। अरे दूध तो रोज उबलता है। दरवाजा खुला है। चलो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा रहीम चाचा। बदमाश कहीं के। सर कहाँ खो गए आप? तुम्हारी बातें सुन रहा था। सर हम लोगों के पास बातें और यादें ही तो हैं जो परिवार से दूर रहकर भी हमें जिंदा रखती हैं। शादी से पहले कितने अरमान होते हैं, बीवी होगी, बच्चा होगा। सर आपके कितने बच्चे हैं? अरे डॉक्टर साहब कुछ बोलिए तो सही, आप तो यूं चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परेशान होने की कोई बात नहीं है कैप्टन, तुम बाप बनने वाले हो। तो ये बात है, हम बाप बनने वाले हैं, बाप बनने वाले हैं। अरे खामखा तुमने हमारी परेड करवा दी, पहले से बता दिया होता कि छोटा कैप्टन आने वाला है। तुमने बताने का मौका ही कब दिया, जरा सा चक्कर आ गया और तुम डॉक्टर को लेने भाग गए। तो और क्या करता, खैर छोड़ो इस बात को, ये तो बताओ ये छोटा कैप्टन आएगा कब तक? कैप्टन? कैप्टन तो तब होगा जब वो फौज में जाएगा, मैं उसे फौज में नहीं भेजूंगी। अरे वाह, फौजी का बेटा फौजी नहीं बनेगा तो क्या क्लर्क बनेगा? क्लर्क फिर भी अच्छे होते हैं, तुम फौजी तो अपनी बीवियों को बहुत इंतजार करवाते हो, महीनों के बाद आते हो और आते ही जाने की बात करने लगते हैं। देखो जी मेरा बेटा वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बेटा है। नहीं मेरा बेटा है। नहीं मेरा बेटा है। नहीं मेरा बेटा है। मेरा बेटा है। मेरा बेटा है। और अगर बेटिया हो गई तो? तो ये तो हमने सोचा भी नहीं था। बेटा जल्दी करो, वक्त हो रहा है गाड़ी का। ऐ रो रही हो क्या? जाने वाले को रोकर नहीं पिता किया करते पगड़ी, क्योंकि विदाई के आंसू सफर को और भी बोझिल बना देते हैं। मैं जी नहीं सकूंगी तुम्हारे बिना। अरे पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। देखो तुम ये थोड़ी सी जुदाई का वक्त और काट लो, फिर तो तुम्हारे दिल बहलाने वाला वो नया नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाएगा, और उससे पहले तो हम यहां आ जाएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। नहीं? ये क्या है? मेरे प्यार की निशानी, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। थैंक यू वेरी मच बैरे। सर ये बार बार आप कहां खो जाते हैं? घर जा रहा हूं ना, उन्हीं की यादों में खो जाता। ये तो है सर। ये स्टेशन कब आएगा? बस आ गया साहब। चाचा, रहीम चाचा। आया बेटे, क्या बात है बेटा? जरा जल्दी से कार निकलवाइए, मुझे स्टेशन जाना है, गाड़ी का वक्त हो गया ना।
लेकिन तुम इस हालत में कहाँ जाओगे बेटे? तुम घर में आराम करो। प्लीज चाचा मुझे चलने दीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसी हालत में तुम्हारा घर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम घर में आराम करो, मैं कप्तान बेटे को लेकर अभी आता हूँ। रहने बेटिया। टाइम चाचा। क्या हुआ बेटा? उन्हें जरा जल्दी से लेते आइएगा। अरे बेटा बस मैं अभी गया, अभी लेकर आ। आपके पति से नई नई दोस्ती हुई है, सोचा दोस्त की पत्नी से भी मुलाकात हो जाए तो क्या बुराई है। तबीयत तो ठीक है ना चाचा? हाँ बड़े मजे में है। काफी सारे खिलौने खरीद दिए हैं, छोटा सा स्वेटर बुनना भी शुरू कर दिया है, और तुम्हारे आने की खबर सुनकर तो उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई है। चल के देख लेना। चाचा, डॉक्टर मेहता ने तारीख बताई शुभ दिन की? बताई तो है और मुझे भी मालूम है, लेकिन भैया तुम्हें बताने का हक तो रजनी बेटी का है, वही बताएगी, ठीक है ना? रजब, रजब, रजब डार्लिंग, अरे ओ रजो, रजो, अरे रजो डार्लिंग कहाँ हो तुम? देखो हम तुम्हारे लिए इतनी दूर से आए हैं और तुम हमें एक झलक के लिए तरसा रही हो। रजो, रज
रुको, रुको, रुको। Oh my God, रुको, 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 रुको। भैया चलो बेटा घर चले, बेटा घर चलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू कैप्टन, आपसे एक जरूरी बात करनी है। शायद आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपने बॉर्डर पर एक स्मगलर्स की गैंग को गिरफ्तार किया था। यह गैंग आपको मालूम है अब फरार हो चुका है। हो सकता है कि इसी गैंग ने बदले की नीयत से आपकी बीवी का कत्ल किया हो। क्या आपके नजर में कोई ऐसी चीज आई, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा क्लू जिससे हमें कुछ मदद मिल सके? पुलिस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से यह गैंग अब बॉम्बे फरार हो गई है। हमने बॉम्बे की पुलिस को इनके बारे में खबर कर दी है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इनको पकड़ पाएंगे। लिसन जेंटलमैन, ये तस्वीरें खतरनाक ईगल गैंग के चार खास मेंबरों की है जो मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस से मंगवाई हैं। कत्ल, खून, ड्रग्स और स्मगलिंग इनका बिजनेस है। इससे पहले कि ये लोग अपनी काली करतूतों का जाल और ज्यादा फैलाएं, इनका अपनी गिरफ्त में आना बहुत जरूरी है। और एक बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, ईगल गैंग की हर कार्रवाई सिर्फ मुझसे डिस्कस की जाएगी और लाइन ऑफ एक्शन भी मैं ही आप लोगों को बताऊंगा। इज दैट क्लियर? वी विल डू आवर बेस्ट सर। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? हम गिरफ्तार किए गए। हम लोगों को जेल की काली कोठरी में बंद कर दिया था लेकिन हम वहां से भाग निकले क्योंकि हम ईगल हैं, उड़ना हमारा काम है। Cheers! 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 तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, लेकिन यह बाज उस कैप्टन बैरी का शिकार नहीं कर पाया, इसका बहुत अफसोस है। यही तो तुम्हारी कमजोरी है, तुम लोग सारे काम एक ही दिन में करना चाहते हो। कैप्टन को कब कौन करना है यह मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल जेल से भागना, कैप्टन की बीवी को कत्ल करना, इस बात ने सारे शहर में हंगामा मचा रखा है। पुलिस हमें दिन रात तलाश कर रही है, इसलिए भला इसी में कि हम लोग महंगी शक्कर की तरह कुछ दिन मार्केट से गायब हो जाएं। गुड आइडिया, मैं तो रोजी के गोद में लेट कर गायब हो जाऊंगा। ये रोजी कौन है? मेरी नई गर्लफ्रेंड। मेरे छुरे पे जंग लग गया है, कुछ दिन इसी पे धार कर लूंगा। जो भी करो जरा सोच समझ के करना, टेक रेस्ट, और एक बात का ख्याल रखना कि पुलिस की नजर तुम लोगों पर पड़ने ना पाए। ऑल द बेस्ट। अरे ये क्या, आज का शुभ दिन, हमारी शादी की सालगिरह और आप यहां बैठी हुई हैं। ए, तुम्हारी आंखों में आंसू? बनो मत, खुद ही घाव लगाया और अब मरहम पट्टी करने आए हैं। मैंने घाव लगाया? कब, कैसे? कहा नहीं था तुमने तेरी मेरी नहीं निभनी? एक ही साल में मैं नजरों से उतर गई। अरे भाई वो गाना था, हंसी मजाक था। हम अपनी महारानी को भला
नाराज कर सकते हैं। छोड़ो भी, अब भी सोच लो, अगर मैं बुरी लगती हूं तो छोड़ दो मुझे, ले आओ उसी को जिसके साथ पार्टी में इटला इटला के नाच रहे थे। अजी छोड़ो उस तितली की बात को जो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती है। तुम हमारी हो और हम तुम्हारे, तुम्हारा हमारा साथ तो जन जन्मांतर का है, तुम्हारा हमारा मिलन तो हुआ है कभी ना बिछड़ने के लिए। तो वादा करो हम कभी जुदा नहीं होंगे। लो वादा रहा, अब तो हंसो 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 हंसो, ये वही ना कोई बात। आज मैं उस लौंडिया को नहीं छोड़ूंगा। गुरु वो नशा कहाँ है शराब में जो उसमें है, मगर साला उसका बाप। उसका बाप क्या है फॉर्म पे, बहुत अच्छा मौका है। कौन? कौन है? इस वक्त पता नहीं कौन आ गया। आती हूँ बाबा। इस वक्त देखो चलाओगे तो बदला में तुम्हारे होगी। इस गेस्ट हाउस का नौकर हूँ, मुझे अंदर किसी ने बंद कर दिया था। गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? मुझे कमरा चाहिए। अभी आया दीवी जी, वो अभी साहब आए ना, उन्हें एक कमरा चाहिए। उन्हें 9 नंबर का कमरा दे दो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। कल रात अगर आप वक्त पर, शुक्रिया मेरा नहीं,
वक्त का अदा कीजिए। पायल बेटा। डैडी आप? बेटा रामू से पता चला कल रात 15 नंबर वाले ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। जी डैडी। कहाँ है वो? पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं डैडी, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो ऐन मौके पर एक फरिश्ता आ गया। कौन है वो? कोई मिलिट्री का कैप्टन बैरी है। बेटी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, तुमने उसकी खातिरदारी की। क्या करती डैडी, उसके सामने एहसान की बातें करना उसे शर्मिंदा करने के बराबर है। डैडी वो आ रहा है। आओ बेटा आओ, इज्जत की हिफाजत एक कैप्टन ही कर सकता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं, हरे हुए देश तो फिर आजाद हो जाते हैं लेकिन औरत की एक बार गई हुई इज्जत फिर कभी वापस नहीं आती। बेटा मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। चाय पियोगे? जी नहीं शुक्रिया। बंबई कैसे आना हुआ? छुट्टी पर हूं। बाय द वे मिलिट्री की कौन सी रेजिमेंट में हो? कमांडो यूनिट में। ये वही यूनिट है ना जो दुश्मन पर अचानक वार करती है? जी हाँ, दुश्मनों पर अचानक वार करना और उन्हें खत्म करना ही हमारा मकसद होता है। क्या ये? अगर ये जहर है तो वो कैसे खा रहा है? उसकी बात छोड़ो, तुम खाकर देखो, ये जहर है। जहर गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। खाने में नमक ज्यादा नहीं लग रहा? मैं आपसे पूछ रही हूं, खाने में नमक ज्यादा नहीं लग रहा आपको? रामू बाहर का गेट बंद कर देना। बीबी जी, एक दो तीन चार, चार ठो कपड़ा है वो 9 नंबर वाले कप्तान साहब का। कहाँ रहते हैं, उनके दर्शन भी नहीं होते। जब आओ जब इतना बड़ा तारा दिखाई दे। खैर ये कपड़ा मैं कहाँ रख दूँ? यहाँ रख दो। रामू। जी बीबी जी। ये कैप्टन साहब कब गए? बीबी जी मैं तो खुद ही परेशान हूँ, ना उनके जाने की खबर ना आने का पता, उनकी लीला वही जाने। आखिर ये जाता कहाँ है?
आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। सुनिए, इतने दिनों से मैं आपको अपने आप में खोया देख रही हूँ। न जाने का वक्त, न आने का ठिकाना। न जाने आपको जानने को जी क्यों चाहता है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा होगा। जी डैडी, हमारे गेस्ट हाउस में बहुत से लोग आते हैं और हम उन सब की देखभाल एक ही तरह से करते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से ये कैप्टन यहां आया है तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा लगा रहता है। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं। होने भी नहीं चाहिए। ये कैप्टन भी औरों की तरह एक गेस्ट है, आज आया है कल चला जाएगा। क्या करता है, कहां जाता है, हमें उसकी जाति मामले से कोई मतलब नहीं। और ये तुम्हारा रातों को उसके लिए इस तरह इंतजार करना शोभा नहीं देता। रात बहुत हो गई, सो जाओ। चाय ठीक है ना? ठीक है। ये कपड़े भी लीजिए। चाबी ये लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आपके कपड़े रख दीजिए वहां। और कोई चीज की जरूरत? जी नहीं, शुक्रिया।
हेलो कैप्टन, आज बड़े रिलैक्स मूड में आराम कर रहे हो? आराम अपनी जिंदगी में कहा, बस यो कहीं दिन गुजार रहा हूँ। क्यों, बंबई शहर में दिल बहलाने के बहुत से सामान हैं, होटल्स, नाइट क्लब्स, डांस हॉल्स। अपनी किस्मत में ये सब कहा। लगता है शहरी जिंदगी से जल्दी बोर हो गए हो। एक काम करो, मेरे साथ खपोली चलो, वहां मेरा एक फार्म है, शिकार खेलेंगे। शिकार तो मैं भी खेलने निकला हूं, लेकिन मेरे और आपके शिकार में कुछ फर्क है। फर्क? कैसा फर्क? आपका शिकार जंगल में है गौरी शंकर जी, और मेरा शायद इसी शहर में। क्या मतलब? आप जब बंदूक उठाकर निशाना बांधेंगे तो कोई ना कोई जंगली जानवर आपके सामने होगा, लेकिन यहां मैं कब से निशाना लगाए बैठा हूं, लेकिन मेरे निशाने पर कोई शिकार आ ही नहीं रहा। तो, बहुत दिनों तक आराम करने के बाद आज हम एक जरूरी काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमने जो बागा ट्राइब्स के लिए विदेशियों से हथियार मंगाए थे वो आ चुके हैं, लेकिन वो विदेशी उन हथियारों की कीमत पैसे की शक्ल में नहीं बल्कि इन हीरे जवाहरात की शक्ल में चाहते हैं। दो बार उनका आदमी भी आ चुका है, इसलिए इससे पहले कि हमारी ईगल गैंग की इज्जत खतरे में आए, हमको ये पैकेट उन तक पहुंचाकर वो हथियार बागा सरदार तक पहुंचाने होंगे। लेकिन ये काम बड़े खतरे का है, पुलिस चारों तरफ फैली हुई है, जरा संभाल के करना। यू कॉल दिस रिस्की? ये काम मैं करूंगा। ये काम जल्दबाजी का नहीं, पुलिस की कड़ी नजर हम पर है, शहर में फूंक फूंक के कदम रखना होगा, और खास तौर जबकि हाथ कीमती हीरों से भरे हैं। ये काम मैं करूंगा। मेरे दोस्त, हिम्मत का होना बहुत जरूरी है, और ये तो मैं आप लोगों को कई मिशन में प्रूव करके दिखा चुका हूं। ये काम मैं करूंगा। नमूने तो हम भी बहुत दिखा चुके हैं दोस्त, ये काम मैं करूंगा। ये बहस का नहीं काम का वक्त है, मुझे मैक पे पूरा भरोसा है। मैक, ये हीरे विदेशों तक पहुंचाकर हमें फौरन खबर करो, और उसके बाद मैं तुम लोगों को ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। कोई खबर नहीं है अब तक, ये मैं कहां चला गया है? मैंने तो पहले ही कहा था वो जल्दबाज है। मुझको पहले से ही डाउट था कि उससे काम हो सकेगा कि नहीं। चुप खड़ा, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। लेकिन उसे हमें कांटेक्ट तो करना चाहिए था, कम से कम फोन ही कर देता। करोड़ों के हीरे जवाहरात, हमारी जिंदगी भर की कमाई, पुलिस भी चौकन्ना है, कहीं मैं पुलिस के चक्कर में तो नहीं आ गया? गाड़ी रोको, ऐसे स्टॉप द कार। रोको रोको रोको।
माइकल, ये बैग तुम अंदर रख लो, पुलिस मेरे पीछे, मैं कहां छुपूं? किधर है वो? कौन इंस्पेक्टर साहब? वही दाढ़ी वाला, मैंने उसे अभी अंदर आते देखा। मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। अगर आपको यकीन नहीं तो आप तलाशी ले लीजिए। पुलिस से बचना हो तो आओ मेरे साथ। कौन हो तुम? दोस्त कम। दोस्त, यहां तक तो हमने तुम्हें पहुंचा दिया, अब देखना यह है कि तुम हमें कहां तक ले जाते हो। किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे पुलिस के हाथों से बचा लिया, बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। भाई बहादुर को अपनी बहादुरी पर नाज है, ये तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मैं और मेरे साथी ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमारा मददगार कौन है, आखिर उसका नाम क्या है। ये ईगल तुम्हारे पास कहां से आया? कौन हो तुम? ये ईगल तो हम अपना बदला चुकाने के मुकाम पर छोड़ आते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वैसे हमारी मुलाकात छावली बॉर्डर पर भी हो चुकी है, जहां मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद मेरी गैर हाजिरी में तुमने अपना बदला लिया, वहां ईगल मेरे हाथ लगा और आज तुम कैप्टन बैरी को मुद्दत से तुम्हारी तलाश थी। कैप्टन बैरी? भाग तो तुम सकते नहीं, क्योंकि भगाकर मैं तुम्हें लाया हूं। क्या अपने साथियों का पता नहीं बतलाओगे? एहसान का बदला एहसान से नहीं चुकाओगे? एहसान का बदला दुश्मन की दोस्ती से नहीं चुकाया जा सकता। तुम मुझसे हमारे दोस्तों के बारे में पूछना चाहते हो? नामुमकिन है। देखो, मुझे अपने साथियों के बारे में सब कुछ बतला दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरा यकीन करो। नहीं। बताओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता, मुझे अपना अंजाम मालूम है। तुम्हारे जो जी में आए करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ईगल का निशान खंडर में पड़ी लाश पर से मिला है और लाश भी ईगल गैंग के मेंबर की है, लेकिन जिस आदमी ने एक जिंदा इंसान को लाश में बदल दिया उसका कोई पता नहीं। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? सर, लगता है गैंग में फूट पड़ गई है और हो सकता है कि गैंग वालों ने उसे मार डाला इस डर से कि कहीं वो पुलिस के हाथ न लग जाए। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई, ईगल के पर कटे हुए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो कौन है जो ईगल के पर काटने पर तुला हुआ है? इससे पहले कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर की पूछताछ से अपनी जान छुड़ाऊं, वो लंबा आदमी फेल्ट पहने और ओवरकोट पहने मैक के सामने आके खड़ा हो गया और दो ही मिनटों में उसको साथ लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर न जाने कहां गायब हो गया। यही आदमी मैक का मर्डर करने में कामयाब हुआ है। कौन था वो? कैसा था वो? इससे पहले तुमने कभी उसे देखा है? मैंने तो नहीं, लेकिन ऐसे ही हुलिये के एक आदमी ने मोहन की पिटाई पायल गेस्ट हाउस में की थी। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। कुछ पता चला कौन था वो? फेल्ट हैट और ओवरकोट पहने और दाढ़ी बढ़ाए हुए वो आदमी पायल गेस्ट हाउस में ही रहता है और उसका नाम है।
कैप्टन बैरी। कैप्टन बैरी? इसका मतलब वो यही है, इसी शहर में। लगता है अपना देशभक्त अपनी धर्मपत्नी की मौत का बदला ले रहा है। उसका देर तक जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं चला जाऊंगा। हमें एक काम सोच समझ कर करना होगा। कैप्टन बैरी की बीवी की मौत की वजह से पुलिस हमारे पीछे लग गई है। मैं के मर्डर ने और चौकन्ना कर दिया है। और ये मत भूलो कि कैप्टन बैरी बहुत खतरनाक दुश्मन है। अगर जल्दबाजी में यहां से उठ के जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सी हमेशा के लिए खाली रह जाए। ऐसे नहीं, हमें कुछ सोच समझ के प्लान बनाना होगा। अगर प्लान ही बनाना है तो जालिम खान को बुला लो। कौन जालिम खान? बड़ी ही जालिम चीज। पहले मिलिट्री में था, उसने अपने अफसर से झगड़ा मोल ले लिया, जिसके जुर्म में उसे कोर्ट मार्शल हुआ। बाहर निकलते ही उसने अपने अफसर का खून कर दिया। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, करता ही गया। इंसानी जिंदगी से उसे नफरत है। जिंदगी को मौत में बदल देना उसके बाएं हाथ का खेल है, बल्कि हाबी है। और उसी हाबी के लिए उसे हमेशा अपनी जेब गरम रखनी पड़ती है। जो हम करेंगे बुलाओ, फौरन बुलाओ। लेकिन वो मिलेगा कहां? उसकी दो ही जगह हैं। एक तो जेल में, जहां पे वो कल तक था, या तो चंपाबाई के कोठे पे। ये रही पेशगी, बाकी काम होने के बाद। और काम? वही जो पिछली बार किया था, हमारे रास्ते की रुकावट को हटाना, और जल्द। रुकावट का नाम और उसका पता? नाम है बीरेंद्र सिंह, मिलिट्री में कैप्टन है। बीरेंद्र सिंह? कमाना यूनिट का कैप्टन, पूना में रहता था, लेकिन आजकल बंबई में पायल गेस्ट हाउस कमरा नंबर 9 में ठहरा है। कहीं ये बीरेंद्र सिंह वही तो नहीं जो कैप्टन बैरी के नाम से मशहूर है? खूब पहचाना, बिल्कुल वही। क्या हुआ? शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले उसका अंजाम सोच लेना बहुत अच्छा होता है। क्यों? इंसानी जिंदगी को चुटकी में मसल देने वाला जालिम खान एक मामूली से कैप्टन को शेर कह रहा है? मैं कैप्टन बैरी को उसके नाम से ही नहीं जानता, उसके काम से भी वाकिफ हूं। मैं उसके साथ मिलिट्री में रह चुका हूं, एक साथ 6-6 दुश्मनों को मिट्टी में मिलाते हुए देख चुका हूं। उसकी आंखें बाज की और जिस्म लोहे का है, उसकी गोली का निशाना कभी खाली नहीं जाता। उसकी दोस्ती जिंदगी है और दुश्मनी यकीनन मौत। साफ क्यों नहीं कहते, माल और चाहिए? बात माल की नहीं, वो तो आप लोगों से बहुत कमाया है। एक राय दूं, कैप्टन बैरी से दुश्मनी मोल लेना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तुम उससे बचकर भाग ही लो तो यह बहुत अच्छा होगा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, बड़ी तारीफ करते थे जालिम खां की, ये तो बुजुल निकला। कहो तो ये काम मैं कराऊं? नहीं माइकल, अब ये काम मैं खुद करूंगा। शायद ये ढूंढ रहे हैं आप। ये तुम्हें कहां से मिला? जैसे पुलिस को खंडर में पड़ी हुई लाश पर मिला। पुलिस के जासूस भी इस गेस्ट हाउस में मेरे पीछे लगे होंगे, ये मेरे ख्याल में ही नहीं आया था। और लड़कियों की इज्जत को बचाने वाला एक दिलेर मिलिट्री का कैप्टन अपने हाथ दूसरों के खून से रंगे, ये कभी मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आया था। अच्छा हुआ तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया, अब तो मेरे पीछे छोड़ो, चलो ऐसे। ओ
हेलो कैप्टन। हेलो। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, सोचा आज कह ही डालूं। दिल की बात दिल में रखने से बहुत से रोग लग जाते हैं, मैंने बुजुर्गों से सुना है। एक बात बताओ, तुम्हें इस तरह पायल को दुख देने में क्या मजा मिलता है? गौरी शंकर जी, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जाती मामले में दखल अंदाजी करे। जो करता है शायद अपना हक समझ के करता है, किसी प्यार की वजह से करता है, किसी लगन की वजह से करता है। इससे पहले कि ये लगन और ये प्यार को नया मोड़ अख्तियार कर ले, मेरा इस गेस्ट हाउस से चले जाना ही अच्छा होगा, अभी और इसी वक्त। जल्दबाजी से कोई काम नहीं सुलझा करता कैप्टन, चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हाँ, इतना जरूर जानना चाहूंगा, तुम्हारा ये रातों को गायब रहना, खोए खोए भटकना, आप भी अपनी बेटी से कम नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप दोनों मुझे मेरे हालत पे क्यों नहीं छोड़ देते। इसलिए कि तुम वो नहीं जो दिखाई देते हो, और नहीं उनमें से हो जो अपने दिल की बात दूसरों से कह के अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। कब तक ये बोझ उठाओगे कैप्टन, आखिर कब तक? उस वक्त तक जब तक तबाही और बर्बादी का यह सिलसिला मैं अपने हाथों से खत्म नहीं कर दूंगा। कैसी तबाही, किसकी बर्बादी? कैप्टन, आखिर तुम्हें तो कहा था ना कि दिल की बात दिल में रखने से रोग लग जाते हैं। बोलो कैप्टन, बोलो। ठीक है, अगर मुझे मजबूरी के कोने में घेर कर आप कुछ जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, ये सुनहरा ईगल देख रहे हैं आप, जानते हैं मुझे ये पहली बार कहां से मिला था? अपनी प्यारी बीवी, अपने होने वाले प्यारे बच्चे की मां की लाश पर। अंदाजा लगाइए, एक आदमी जो अरमानों भरे दिल लेकर खुशी खुशी एक दिन अपने घर लौटता है सिर्फ ये देखने के लिए खून से लथपथ पड़ी उसकी अपनी बीवी की लाश, जिसे किसी कमीने शैतान ने बड़ी बेरहमी के साथ अपने चाकू को उसके पेट में उतनी गहराई तक उतार दिया हो जहां पर एक और नन्ही मासूम जान भी सांस ले रही हो। क्या हालत होगी उस आदमी की, उसके दिमाग की? क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? क्या उसके दिल में जिसमें बदले की आग नहीं भड़क उठेगी? क्या वो अपने बीवी के कातिलों से बदला नहीं लेगा? क्या वो अपने सुखी संसार को मुट्ठी में मिला देने वालों से बदला नहीं लेगा? इसी बदले की आग में चारों तरफ से घिरा हुआ हूं मैं, इसी बदले के पागलपन का जुनून सवार है मेरे दिमाग पर। और ये ईगल, यही गल उस वक्त तक मेरे गले में रहेगा जब तक मैं उस सीगल गैंग का गला नहीं घोट दूंगा, उन सबको मौत के घाट नहीं उतार दूंगा मैं, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अफसोस के साथ साथ मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है कैप्टन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, बताओ मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं? अब तुम्हारे जिम्मे। Thank you.
लीजिए मालकिन गर्म पानी, जख्म को धोकर हल्दी लगा दीजिए, दो दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने दवा लगा दी है, तुम जाके खाने का बंदोबस्त कर लो। बस अभी करता हूँ, सिर्फ गुलाबों का इंतजार है, कमबख्त न जाने कहाँ मर गई। ये गुलाबो कौन है? अरे पूरे गांव में एक ही तो है सब्जी बेचने वाली, गुलाबो, यहाँ आकर रोज घंटों बैठी रहती है। अब मेरा मतलब है, आज जरूरत है तो गायब है, आएगी आएगी जाएगी कहाँ, बड़े साहब भी उसको जानते हैं। अरे हाँ मालकिन, इस बार बड़े साहब नहीं आए, बाद में आएंगे क्या? अब वो नहीं आएंगे। ओ खैर, मैं सब्जी वाली को ढूंढ के लाता हूँ। जाने वाले के लिए आंसू बहाने से जाने वाला तो कभी वापस नहीं आता। रंज गम का अगर हिम्मत से सामना किया जाए तो दर्द ऐसा ऐसा कम हो जाता है। कैप्टन बैरी ने अपनी बीवी की मौत का बदला लिया। पहली लाश खंडार में मिली, ईगल गैंग ने बदला लिया मशीन गन अटैक से, जिसका मकसद था कैप्टन बैरी का खून। लेकिन एक्सीडेंटली मारा गया गेस्ट हाउस का प्रोप्राइटर गौरी शंकर। कैप्टन बैरी स्ट्राइक्स अगेन, ईगल गैंग के दूसरे आदमी का मर्डर, फिर वही परकटा ईगल, फिर वही .32 की गोली, और फायर करने वाला शायद कैप्टन बैरी। ऑफिसर्स, गेट मी कैप्टन बैरी। सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ यहां चला आया, कोई गलती तो नहीं की मैंने? सुबह से शाम तक थका हुआ मुसाफिर, दो घड़ी रुककर सांस ले ले, तो इसमें क्या गलती है? दो घड़ी सांस लेने में ही तो मंजिल कभी कभी बहुत दूर हो जाती है, इतनी दूर कि वहां तक पहुंचना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तुम तो जानती हो कि मैं किस लिए जी रहा हूं। जानती हूं, अच्छी तरह जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि अगर मैं तुम्हारे काम आ सकी तो एक ही तरह तुम्हारे दिल से नफरत के जहर को निकालकर उस मोहब्बत को जगा सकूं जो कभी तुम्हारे दिल में थी। बड़ी उलझन में डाल दिया है तुमने, इसलिए तो सोच रहा हूं कि यहां आने में मैंने कोई गलती तो नहीं की। कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, पता नहीं कहां चला गया। अरे आप लोग कौन? अरे कन्हैया कहां है? कहां घुसी चली आ रही है, मरवाएगी। मालकिन ये गुलाबो है, चल चल दिखा क्या लाई है, चल 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 ना। क्यों रे, अंदर कौन है और तू मुझे बाहर क्यों निकाल रहा है? अरे वो मेरे मेहमान है, तुझे क्या? अच्छा चल टोकरी नीचे उतार, दिखा क्या लाई है। कन्हैया मेरा हाथ तो लगा दे। हाँ? ये ले। अरे, अरे, मुझे नहीं, टोकरी को। इसमें तो गोभी नहीं है। हाँ? मैंने बोला तो था कि मैं धनिया लाई हूँ। मालूम है धनिया खाने से क्या होता है? अब मैं मेहमानों को धनिया खिलाऊंगा। ठीक है नैया, आज तू उन्हें आलू ही खिला दे, शाम को मैं गोभी दे जाऊंगी। तू मत आना देने, और फिर गोभी लेने तो मैं खुद आऊंगा तेरे पास। खेत के पिछवाड़े। अच्छा अरे को है? सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है साहब? यहाँ एक मिलिट्री का कैप्टन बिरेंद्र सिंह ठहरा है, कहाँ है वो? छोड़ गया इस गेस्ट हाउस को। मालूम है किधर गया? कल भी तो बताया था साहब, एड्रेस देकर नहीं गया। कल ही बताया था? किसको बताया था साहब?
एक हाफी सा आदमी भी आया था उसे ढूंढने, कैप्टन तो उसे मिला नहीं, वो मेरी पिटाई करके चला गया, अभी तक सारा जिस्म दुख रहा है। इसका मतलब है ईगल गैंग के आदमी कैप्टन को ढूंढने आए थे, हो सकता है कैप्टन भी उन्हें ढूंढने में लगा हो। फॉरेन कंट्रोल रूम में फोन कर दो कि शहर की नाकाबंदी कर दें, कैप्टन शहर से भागने ना पाए। एक्सक्यूज मी सर, अगर कैप्टन हमें मिल जाए तो वो खुद हमें ईगल गैंग के पास पहुंचा सकता है, कैसी कही? स्प्लेंडेड। अगर मेरा दिमाग तुम्हारी तरह तेज होता ना तो कब का कमिश्नर बन गया होता। चलो कैप्टन के रूम की तलाशी लें। एक्सक्यूज मी सर, क्या एक बड़ी काम की चीज, कैसी कही? बुलेट? ये वो बुलेट नहीं जिससे ईगल गैंग के वो दो लोग मारे गए। इसका कैप्टन के कमरे से मिलना और इस पे खून का लगा होना इस बात का सबूत है कि इससे कुछ जख्मी हुआ है, और वो कैप्टन बैरी के सिवा कोई नहीं हो सकता। इस बार ईगल गैंग ने कैप्टन को अपना शिकार बना ही लिया। हो सकता है कैप्टन मारा गया हो। कैप्टन मरा नहीं इंस्पेक्टर, इस गोली का मिलना इस बात का सबूत है कि कैप्टन जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो कहां है? यस दैट्स अ पॉइंट। कैप्टन शहर को छोड़कर तो भाग नहीं सकता क्योंकि इंस्पेक्टर रवि ने अभी तक सारे शहर की नाकाबंदी कर दी होगी। सर? हाँ यस इंस्पेक्टर, कुछ मालूम हुआ? मैंने शहर का हर होटल हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक सब चेक कर लिया है, मगर कैप्टन का कोई पता नहीं चला। शहर में नहीं तो जख्मी हालत में कहां जा सकता है? गेस्ट हाउस के नौकर और बाकी लोगों के इंफॉर्मेशन के मुताबिक गौरी शंकर का खपोली के पास एक फार्म भी है, हो सकता है कि पायल कैप्टन को लेकर उस फार्म पे चली गई हो। आप लोग शहर की तलाश जारी रखिए, मैं जरा उस फार्म पे होकर आता हूं। मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है मैं जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि उसे पूरा करने के लिए तुम बेचैन हो। जख्म भर जाए तो चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इसे हमदर्दी नहीं, सहारा समझो। तुम यही रहते हो? जी साहब। अच्छा तुम जानते हो यहाँ पायल का फार्म किधर है? यहाँ तो बहुत से फार्म है साहब, हमें मालूम नहीं है कौन सा फार्म है। कितनी अजीब बात है, सहारा देने वाले मर्द को एक लड़की का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। अगर इतना जरूर कहूंगा यार, जो कुछ भी मैं चल फिर रहा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने कोई एहसान नहीं किया, जो भी किया
अपना फर्ज समझकर किया। फर्ज का बोझ भी तो एहसान के बोझ से कम नहीं होता। अगर आप मेरे फर्ज को एहसान का बोझ समझते हैं तो मैं समझूंगी कि अपनेपन की खुशबू परायेपन के बू को नहीं मिटा सकी। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है आपसे कि उस साहे को तोड़ने की कोशिश न करें जिसमें मैंने अपने असली रूप को देखा, उस रूप को देखा जो परसों की तपस्या और लगन के बाद मिलता है। अबे कहाँ है वो फार्म? दूसरा दिन हो गया मैं जंगलों में भटकते हुए। गेस्ट हाउस में बाप बेटी का बातों से पता चला है, कहीं यही कहीं कपोली का आसपास है। याद रख, अगर फार्म जल्दी ना मिला और वो कैप्टन किसी चक्कर में हमारे हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें दुनिया से रफू चक्कर कर दूंगा, समझे? उस्ताद मैं तो कहता हूँ कैप्टन बैरी को भूल जाओ, कुछ नई चीजें सोचो जिससे कुछ माल हाथ लगे। उस दिल की औलाद, तू शक्ति सिंह को नहीं जानता। शक्ति सिंह का इंतकाम उस वक्त तक पूरा नहीं होता है जब तक कि वो अपने दुश्मन की लाश न देख ले। गॉडडैट कन्हैया, मैंने तुम्हारे बारे में अपने बापू से बात कर ली है। सच? हाँ। क्या मर्जी है उनकी? वो कहते हैं क्या कहते हैं बताना। कि शादी हो जाएगी। हाँ। मगर क्या? एक शर्त है। वो क्या? वो कहते हैं। क्या कहना है? कि मेरे हाथ में तुझको, हाँ मुझको, सोने के दो कंगन पहनाने होंगे। हाँ? हाँ, तब शादी होगी। अरे ये शादी है कि बर्बादी, लोहा कूटते कूटते तेरे बाप की अकल भी लोहे जैसी हो गई है। वो उजाले के रूप में अंधेरा है, साधु के वेश में लुटेरा है। अरे मैं कुछ सुना रहा हूँ जो तुझे सोने के कंगन पहनाऊं? मगर कन्हैया, हाँ? अगर तू मुझे सोने के कंगन पहनाएगा ना तो मैं तेरी पत्नी, नहीं तो तू यहाँ बैठ कर पिसता रहे चटनी, समझे ना? मैं चली, समझता है? यहाँ बैठ के पीसता रहे चटनी, मैं चली। अरे सोन, अरे अरे सुन, अरे ओ गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुन जा। अरे मुझे माफ कर दे, कभी तेरे बाप को गाली नहीं दूंगा, वो साधु है, वो देवता है। अरे अरे चल। ये कन्हैया भी काफी रंगीला है, लगता है गुलाबो को अपना बना के ही छोड़ेगा। अपना बनाने से कोई अपना बन तो नहीं जाता, वो भी लोहार की बेटी है, लोहे के चने चबवाएगी। मोहब्बत और प्यार में रुकावटें तो आती ही रहती हैं, लेकिन ये गांव के लोग अपनी लगन से जो चीज हासिल करना चाहते हैं कर ही लेते हैं। यही तो फर्क है शहर और गांव वालों में। शहर में इसी लगन को खुदगर्जी और दखल अंदाजी समझा जाता है। उस्ताद क्या हुआ, बाटली क्यों तोड़ दी? अबे तोड़ दी तो तोड़ दी, अब तेरी गर्दन तोड़ने का वक्त आ गया है। वो तेरी वो पायल मेम साहब का फार्म है, उसका वो दोस्त कैप्टन बैरी अभी तक क्यों नहीं मिला? उस्ताद अब इस गांव के करीब आ ही गए तो मैं गांव वालों से पूछ के आऊं। अबे तू बैठ जा, शराब पीकर गांव में जाएगा तो गांव वाले मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे और पानी भी नहीं पूछेंगे। हाँ पायल, शुक्रिया अदा करने आया हूं तुम्हारा। खतरे में तुमने अपने यहां मुझे सर छिपाने की जगह दी। तुम्हारी ही देखभाल से मेरे पांव का जख्म अच्छा हो गया। तुम्हारी इस मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हैं। हाँ पायल, जाना तो पड़ेगा ही, कुछ अधूरे काम हैं जिन्हें पूरा करना है। जिंदगी में एक ही तो कसम ली थी, उसे निभाना पड़ेगा।
जाने वाले के लिए कसम निभाने से जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता, और फिर उजरे हुए रंजोगम के दर्द को मेरे प्यार और मोहब्बत से कम भी तो किया जा सकता है। क्या मेरा प्यार आपको नई राह नहीं दिखा सकता, जिस पर अब हमें साथ साथ चलकर किस्मत की बेरुखी का सामना करना है? तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुमको अकेला छोड़कर जाना गलत था शायद। अगर जाने के लिए आए हो तो ये आना भी गलत है। तुम नहीं जानती पायल, मेरे साथ चलना कितना खतरनाक है। अपने आप को खतरे में डालकर तुम अपनी जिंदगी खो बैठोगे। जिंदगी तो मैंने उसी दिन खो दी थी जिस दिन मेरा घर बार उजड़ा था। तो फिर यहां क्या ढूंढने आए हो? शायद जिंदगी तुम्हें। हां पायल, तुम्हें। कितना खूबसूरत है कन्हैया, सच मुझे तो बहुत प्यारा है। सोन हा? सोने का है हा? जा लपेट दे अपने लालची बाप की कलाई पर। अरे बाप की कलाई पर क्यों? हा? मेरे हाथ क्या खाली रखेगा तू? अरे दिल जलाकर रात कर देती, और नाम है गुलाबो। अरे ये तो पेशगी है तेरे बुढ़े के लिए कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। अरे इस पर तो कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कन्हैया? अंग्रेजी में तेरे बाप का नाम लिखवाया उसके होने वाले दामाद ने। हाँ? चल जा यहाँ से, और सुन, अगर मेरी तपती मोहब्बत की आग पर इंतजार का ठंडा पानी पड़ा ना तो मैं कोई दूसरी ढूंढ लूंगा। हाँ अबे जल्दी कर बे, कितनी देर लगा ली, हमें और भी काम है। आखिरी किला था वो भी लग गया, अब इस घोड़े को जितना भी भगाओगे फिसलेगा नहीं। हमारे 2 रुपए तो देते जाइए बापू। बापू बापू, देख तो कन्हैया ने क्या भेजा है, सोने का कंगन। अरे वाह, सोने का कंगन? हाँ। मेरे लिए कन्हैया ने भेजा है? हाँ बापू बापू। हाँ? अब तो शादी के लिए हाँ कर दे। हाँ हाँ जरूर कर देंगे। अरे इसमें तो अंग्रेजी में किसी का नाम लिखा हुआ है, किसका है? अरे बापू मैं बताता हूँ किसका नाम लिखा है इसपे। ये चोरी का माल है,
कहाँ से लाई तू इसे? बताए किसने दिया तुझे? अरे छोड़, ये तो मेरा है, कन्हैया ने मुझे दिया है। बकवास बंद करो और बताओ ये तुम्हें किसने दिया है? ए, छोड़ दे मेरी बेटी को। जल्दी बताती है कि तेरे बाप की चिता जला दूंगा यहीं पे। नहीं बताऊंगी, नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। बता दे बेटी, बता दे, बता दे बेटी, बता दे, बता दे। तू इन चंडालों को नहीं जानती बेटी, तू इन चंडालों को नहीं जानती। अब बताओ किसने दिया तुम्हें ये, बोलो। जल्दी बोलो। अरे बाबू जल्दी चलना, पहले पुलिस चौकी जाना है, फिर डॉक्टर बाबू के पास जाकर बड़ा पट्टी भी करवानी है। जल्दी चल। अरे सत्यानाश है तेरे सोने के गंगा, जिसने खून की होली खेलवाई। क्या बाबू आप ही कमाल करते हैं। अरे पुलिस क्या है? अच्छा हुआ साहब आप मिल गए, हम तो चौकी पर आपसे ही मिलने जा रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, आप पुलिस चौकी जा रहे थे मगर क्यों? रपट लिखवाने। रपट लिखवाने? हाँ। मगर क्यों? वो बदमाशों ने मेरे पापा को इतना मारा और मार के घोड़े पर सवार होकर भाग निकले। आई सी, आई सी। एक्सक्यूज मी सर, कुछ बदमाशों ने लड़की के बाप को मारा और सर ये खून जो आप देख रहे हैं सर से बह रहा है, ये गालबन उसी चोट की वजह से है। कैसे कही? यू शट अप। तो कौन थे बदमाश और उन्होंने तुम्हारे बापू को क्यों मारा? अजी साहब, हमारे से सोने का कंगन छीनकर हमारी बैया मरोड़कर जबरदस्ती पूछा कि ये कंगन किसका है। हमने तो बता दिया कि हमारे कन्हैया ने दिया है। ये कन्हैया कौन है? फार्म पर नौकर है, पायल मैम साहब का। किधर है ये फार्म? मतलब ये के, किधर है ये फार्म? पास ही है, ये पहाड़ी है ना, इसके पीछे। कैप्टन पायल का फार्म और बदमाश घोड़ों पर। यस सर। पायल, आज से मैंने हिंसा छोड़ दी है। इस पिस्तौल को भगवान के चरणों में रखकर चलो आज से हम नई जिंदगी शुरू करते हैं। अबे नई जिंदगी तो तुम्हारी अगले जन्म में शुरू होगी। अब रहा सवाल तुम्हारी इस जिंदगी का, वो तो उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने मेरे दोस्तों का खून किया था। क्या रहे हो? जाओ इन दरिंदों को खत्म कर दो। अब तक मैं ही तुम्हें रोकती रही ना, लेकिन आज मैं ही कह रही हूं जाओ खत्म कर दो इन्हें, वरना ये एक पल भी हमें सांस नहीं लेने देंगे। जाओ अपनी कसम पूरी करो, जाओ जाओ। Thank you.
पकड़ो इसे। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। देखो, मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि सरकार तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पूरी पूरी रक्षा करेगी। हां, उन्हें कुछ नहीं होगा, समझे? अब मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे सच सच बता दो कि ईगल गैंग का अड्डा कहां है, बताओ। बताता हूं साहब, बताता हूं साहब। हाईवे नंबर 5 के 5वें मील पर किले में एक गुफा है, गुफा से एक सुरंग है जो ईगल गैंग के अंडरग्राउंड खुफिया अड्डे को जाती है। चले आओ कैप्टन, चले आओ। ये सब जाल तुम्हारे लिए फैला के रखा है, नीचे आ जाओ। कानून को अपने हाथ में मत लो कैप्टन, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं अपने आप को एक दिन पुलिस के हवाले जरूर करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे एक अधूरी कसम पूरी करनी है। मेरा जाना बहुत जरूरी है और इसमें तुम मेरी आज मदद करोगे। कम कम इंस्पेक्टर, कम, कम। कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूं और क्या चाहता हूं। तुम्हारी ईगल गैंग का आखिरी मोहरा सिन्हा कहां है? मैं किसी ईगल गैंग को नहीं जानता और ना ही कोई सिन्हा वेना को। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह ईगल गैंग का ही अड्डा है और तुम भी ईगल गैंग के ही आदमी हो, क्योंकि मैंने अपना पहला शिकार भी यहीं से उठाया था और अब आखिरी शिकार का पता भी तुम्हें मुझे बताओगे? बताओ सीधा कहां है? मुझे नहीं मालूम। सेना कहां है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बताओ। मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं कि सीना कहां है? बता दो, बता दो। जिसके लिए तुम मुझे मारो वो एक घंटे बाद पुराने किले की पहाड़ी से अपने हेलीकॉप्टर में उड़ जाएगा। उड़ेगा तो तब जब मैं उसे उड़ने दूंगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है साहब। साथियों, आज मेरी आप लोगों से आखिरी मुलाकात। आज के बाद जो कुछ भी मेरा था वो आप लोगों का है, क्योंकि हम तो ठहरे ईगल, हम तो उड़ जाएंगे। इतनी जल्दी उड़कर कहां जा रहे हो मिस्टर सिन्हा? मैंने कहा था ना, तुम जैसे उड़ने वाले परिंदों के पर काटना मुझे हमेशा याद रहेगा। आज उन्हीं परों को काटने आया हूं मैं जिन परों की ताकत की घमंड पर तुम इस देश से गद्दारी करते रहे। मेरे घर को बर्बाद किया, मेरी पत्नी को मार डाला और मेरे होने वाले चिराग को जलने से पहले बुझा दिया। आज मैं उन्हीं परों को इस ढंग से काटूंगा कि मौत भी तुम्हारे करीब आने से थर्राएगी। हम तो शिकारी हैं, पर वो शिकारी जो कभी कभी शिकार को फांसने के लिए खुद भी शिकार बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम यहां, ये तुम्हारी अकलमंदी नहीं बल्कि बेवकूफी थी, हमारी चाल थी और तुम उस चाल की जाल में फंस चुके हो। अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि सिन्हा को जिंदा रहना है। चलो, लो ये शिकार तुम्हारा है। Oh, my God.
रजनी, आज मेरी कसम पूरी हुई। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने 4 कत्ल किए हैं। मैं यह भी मानता हूं कि उनको सजा देना मेरा काम नहीं था, और मैं यह भी मानता हूं कि मेरा उन आदमियों को कत्ल करना दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। लेकिन योर ऑनर, क्या उन्होंने एक मासूम औरत पर वैश्यों की तरह हमला करके उसे और उसके होने वाले बच्चे को मौत के घाट नहीं उतारा? वो मासूम औरत मेरी बीवी थी योर ऑनर, और वह नन्ही जान जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी मेरा होने वाला बच्चा था। इस सदमे का मेरे दिल और दिमाग पर गहरा धक्का लगा। मेरी आत्मा को वो चोट पहुंची कि मेरा खून खौल उठा, और बदले की आग में झुलसते हुए मैंने उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया। मैं फौज का एक सिपाही हूं योर ऑनर, देश की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे परिवार की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? कानून की। साइलेंस। अगर मेरे उन्हें सजा देने को कानून मुझे मुजरिम ठहराता है तो मैं मुजरिम हूं,
और अदालत के सामने सर झुकाकर इन सब की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुल्ज़िम का इकबाल जुर्म और हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम ने ईगल गैंग के चार आदमियों का कत्ल किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है। इसलिए ज़ेर दफा 302 इंडियन पैनल कोड अदालत मुजरिम को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है।